24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आगे लिखिए, उत्तर पूर्व की नॉर्थ ईस्ट छठी अनुसूची में फेरबदल उत्तर पूर्व की छठी अनुसूची में फेरबदल के लिए आर्टिकल 280 में बदलाव लाया जाएगा। ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात यूएई से 3 भारतीय विस्तारकों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। गिरीश पंत सुरेंद्र सिंह कंधारी डॉक्टर जुलेखा दाऊद खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या भारतीय शिक्षा दिवस, वो मनाया जाता है 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनकी याद में मनाया जाता है 11 नवंबर को भारतीय शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी और शिक्षक दिवस पता आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो यूनेस्को ने बताया था 5 अक्टूबर को। ध्यान रखिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी यूनेस्को द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर अबुल कलाम आजाद की स्मृति में जो भारत प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पंजाब के रोपड़ में आईआईटी ने नेत्रहीनों की सहायता के लिए रोशनी नाम से एक एंड्रॉइड ऐप विकसित की।
लांस नायक, लांस नायक नजीर अहमद वानी, नजीर अहमद वानी। लांस नायक नजीर अहमद वानी को 2019 में, लांस नायक नजीर अहमद वानी को 2019 में अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा, अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये नजीर अहमद वानी पहले आतंकवादी थे, आतंकवादी के बाद में डायरेक्ट सेना में भर्ती हुए और सेना में दो आतंकवादियों को उन्होंने मारा और ये शहीद हो गए थे। तो केंद्र सरकार ने इनको अशोक चक्र देने के लिए बोला, पहले आतंकवादी थे तो भारतीय सेना में शामिल हुए और फिर दो आतंकवादियों को मारकर शहीद हो गए थे, इसलिए उनको नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र दिया जाएगा। चलिए आगे लिखिए, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 23 जनवरी को नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना का शिलान्यास किया, नमामि गंगे परियोजना का शिलान्यास किया। आगे लिखिए, यस बैंक, यस बैंक के सीईओ और एमडी, यस बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में रौनित गिल, रौनित गिल ने पदभार संभाला, रौनित गिल ने पदभार संभाला। सीईओ थे राणा कपूर, पहले कौन थे, राणा कपूर, लेकिन अब कौन है, रौनित गिल। नोएडा से ग्रेटर नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का उद्घाटन, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। देखिए पबजी गेम, पबजी गेम को गुजरात सरकार ने बैन कर दिया है, पबजी गेम को गुजरात सरकार ने बैन कर दिया है। आगे लिखिए एलजी कंपनी, एलजी कंपनी नया, एलजी कंपनी नया फ्लैगशिप, नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, एलजी नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसे बिना टच किए बिना भी, जिसे बिना टच किए बिना भी उपयोग किया जा सकेगा।
स्मृति मंधाना चार देशों में स्मृति मंधाना चार देशों में शतक लगाने वाली स्मृति मंधाना चार देशों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। भारतीय महिला बन गई है इसका एक ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई है जिसने चार देशों में शतक लगाया। तो चार देशों के नाम भी लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया नंबर थ्री, इंग्लैंड और नंबर फोर न्यूजीलैंड। इसमें कर लगाया चीन की कंपनी, चीन की कंपनी शाओमी जिसको हम एमआई बोलते हैं, मोबाइल आते हैं भाई के, चीन की कंपनी शाओमी ने दुनिया का पहला डबल फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च किया है। एलजी जो है, एलजी का मतलब होता है लाइफ स्पूट, फुल फॉर्म अगर आ जाए एलजी का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पूट। कश्मीर का बारामूला जिला, कश्मीर का बारामूला जिला पहला आतंक मुक्त जिला घोषित किया गया है। पहला आतंक मुक्त जिला घोषित किया गया है। पहले वहां पे उड़ी में हमला हुआ था सेना वगैरह पे, लेकिन अब कल आखिरी दिन आतंकवादी बचे थे उनको भी मार गिराया है। तो कश्मीर का पहला जिला बन गया जो आतंक से मुक्त हो गया, सेना ने उसको आतंक से फ्री कर दिया, अब कोई भी आतंकवादी वहां पर नहीं। और कौन सा जिला है, बारामूला, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जिला कश्मीर का आतंक मुक्त घोषित किया गया, बारामूला। ठीक है, लास्ट फैक्ट लिखिए, स्पेन का रियल मैड्रिड क्लब, स्पेन का रियल मैड्रिड क्लब दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब बन गया है। स्पेन का रियल मैड्रिड क्लब दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब बन गया है। यह आपके 16 करंट अफेयर हुए 24 जनवरी के।